मतलब कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो आपको क्या जलन हो रहा है, क्यों जलन हो रहा है, आप भी कीजिए ना। हम कहा किसी के खिलाफ बोलते हैं, कहा किसी का टांग खींचते हैं। और माँ सरस्वती जो है उम्मीद है कि सबको सद्बुद्धि दे और सब लोग जो है सरस्वती पूजा के दिन प्रण ले कि बिहार में शिक्षा से क्रांति लाएंगे, क्योंकि नालंदा हमारे यहाँ, विक्रमशिला हमारे यहाँ, दुनिया के सारे लोग जो है हमारे यहाँ के पढ़ते थे, और आज हमारे गरीब के बच्चे जो है, गरीब छात्र जो है, दर दर की ठोकरें खा रहे, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, सेशन लेट है, यूनिवर्सिटी में धक्की मार के निकाल दिया जा रहा है, और तो सरकारी स्कूल जो है, जो पहला क्लास से लेकर दसवां क्लास तक है, वहां की स्थिति कैसी है वो बताने की जरूरत नहीं है, बिहार के हर एक माता पिता को पता है। अमीर माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों को छोटा भेजते, कहीं भेजते, अमीर का भेजते, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की बात करना कहां से सुना है, और हम करेंगे। बिहार में पुलवा समय से पहले काहे गिर जाता है, काहे कि पुलवा को बनाना रहता है 2012 में, और 2022 तक पुलवा नहीं बनता है, इसीलिए गिर जाता है। एगो पुल जो 2010 से बनना शुरू हुआ, 2012 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है DOC, डेट ऑफ कॉन्क्रीटिंग या डेट ऑफ कास्टिंग 3 तारीख 11वां महीना 2012, और अभी तक जो है ये प्री कास्ट स्ट्रक्चर यहीं पे पड़ा है। ध्यान से देखिए, इस पे बवासीर का प्रचार हो गया, हाइड्रोसील का, भकंदर का प्रचार हो गया, साथ में भाजपा का 2014 का प्रचार हो गया, और यहाँ पे देखिए मैला और बदबू की गहराई से सफाई व्हील ने भी प्रचार करा लिया यहाँ पे, लेकिन पुलवा बना नहीं। कोई नेता दोषी नहीं है, हम बिहार के लोग दोषी हैं। 12 करोड़ बिहारी जिस दिन कमर कस लेंगे कि हमें अपने बिहार को बचाना है, तो किसी भी बिहारी का बाप जो है ना हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना नहीं मरेगा, कोई भी बिहारी जो है ना शिक्षा के बगैर नहीं रहेगा, और किसी भी बिहारी को जो है ना अपने घर में आग लगा के जमाने को रोशनी नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए हमारे भाई आए हैं, बोलिए। थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी हालात बहुत जर्जर है भैया, जरा सोचिए। यहाँ हॉस्पिटल क्या क्या दिखाया जाए, अकेले मनीष कश्यप क्या क्या दिखाएगा, हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, ये सही बोल रहे हैं, मुझे दिखाना चाहिए और मैं चलूंगा। चलेंगे वो भी दिखाएंगे, लेकिन शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्थिति जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास हम लोगों को करना होगा, और जिस दिन हम बिहारी सुधर जाएंगे ना, उस दिन बिहार का सरकार सुधर जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में हमारे उंगली में वो ताकत आ जाती है जिससे हम बिहार के नेताओं का भाग्य बनाते हैं। क्यों अपना भाग्य बनाना हम भूल जाते हैं? पता नहीं कौन सा एजेंसी ये रोड बना रहा है, और बिहार में जितना नेशनल हाईवे बन रहा है सब कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ बन रहा है। आप लोगों, अब मैं आपको दोषी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि उसका मेजरमेंट कोई दूसरा कोई किया होगा। ये देखिए यहाँ पे अंडुलेशन है कि नहीं है, गाड़ी बंप करता है, रोड एक्सीडेंट होता है एकदम बिल्कुल, यहाँ पे जो है धसा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे धसा हुआ है इसके वजह से जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा माल गिराया गया, आप देख सकते हैं, जबकि इसके लिए ऑलरेडी जो है ऑटो लेबल होता है, स्टाफ होता है, टोटल स्टेशन होता है, और सब कुछ से मेजरमेंट किया जाता है, उसके बावजूद भी बिहार के हाईवे पे जब आप सफर करेंगे तो आप देखेंगे जगह जगह पे इतना एक्स्ट्रा अंडुलेशन दिया गया है, इतना एक्स्ट्रा बंप करता है कि पटना में जो पुल बना है 12 किलोमीटर का एम्स एलिवेटेड रोड, वो भी गड़बड़ बना है और उसमें भी अंडुलेशन ज्यादा है, और ये जो रोड बन रहा है ये बक्सर से लेके जो है और आरा होते हुए